अभी प्रॉब्लम्स ये है कि नाइट ड्यूटी 9-10 हज़ार रुपये मिलते, उसमें मतलब यहाँ का दिल्ली का खर्चा ही चलता है सिर्फ। When Devraj came to Delhi from Rajasthan in 2018, he could never have imagined that he would have to struggle so hard to succeed in pole vault. While dreaming of becoming like the great Sergey Bubka or the modern-day hero Mondo Duplantis, he finds ugly reality staring at him. That takes shape in the form of working as a security guard all night, sleeping for 3 hours tops, catching a metro to Faridabad to train, chugging back in the evening to do guard duty all over again. In an exclusive chat with NNIS Sports, Devraj says he still remains hungry and motivated to excel. Will the government help him? Will some sponsor step in? He trained for a brief while at the Nehru Stadium till the pole vault pit got removed. Now he goes 3 days a week to train in Faridabad. Devraj wants to represent India in the Olympics, but he says the sports of pole vault is not being promoted adequately in North India. The North lacks pits and facilities. In contrast, South India offers a much better deal. Sir, job करते हुए मेरे को काफी time हो गया। मतलब जब COVID चला था उससे पहले problems आ गई थी, तो उससे पहले मैं job करना security start कर दी थी मैंने। तो जब मेरा अच्छी गांव level से निकले थे, तो उस टाइम पे सर निकलते सर घर वालों का सपोर्ट नहीं था। घर वाले गेम के बारे में जानते भी नहीं थे कुछ भी कि गेम क्या होता है। स्पोर्ट्स में इतना पोल वॉल्ट बिल्कुल नहीं जानते, स्पोर्ट्स इतना क्रेज है नहीं, तो वहाँ को थोड़ा पढ़ाई के बारे में ज़्यादा जानते थे सर। तो इसीलिए वहाँ पर फिर मेरा इंटरेस्ट था कि पोल वॉल्ट ही करना। मैंने मतलब टीवी से देख के स्टार्ट इंटरेस्ट आ गया था, धीरे धीरे इंटरेस्ट आते ही धीरे धीरे आगे बढ़ने स्टार्ट कर दिया था। मैं काफ़ी राजस्थान से भी घूमा, लेकिन वहाँ पर भी गेम के नी इक्विपमेंट पोल वगैरह पिट वगैरह नहीं मिली थी। उसके बाद में फिर मैं बाहर काफ़ी घूमा था, इधर उधर भटकते भटकते फिर मैं दिल्ली आया था 2018 के एंड में आया था। तो उसके बाद में मैं इधर बहुत प्रैक्टिस करने के बाद इधर दिल्ली आने के बाद ये लगा कि कुछ होएगा सर, क्योंकि एक ही सपना था कि ओलंपिक खेलना। इसमें भी क्योंकि एक वो था अंदर मन का था कि एक बार ओलंपिक खेलना, क्योंकि इंडिया से कोई गया नहीं था ओलंपिक, अभी तक क्वालिफाई नहीं की इंडिया ने। तो इसीलिए मेरा था कि ओलंपिक खेल सकेंगे, अच्छी प्रैक्टिस कर सकेंगे दिल्ली में आके। तो पहले यहाँ पर नेहरू में पिट थी, पहले अच्छा हमारा ग्रुप था, अच्छा प्रैक्टिस चलती थी। तो कोविड के बाद मेरा भी अच्छा होने लग गया था जंप, और कैंप की भी बात चली थी लेने के लिए, कैंप में भी लेने की बात चली थी। तो कैंप में भी मेरा होना, फिर उसके बाद में कोविड आ गया। कोविड आने के बाद कई सारी प्रॉब्लम्स आ गई, घर वालों ने साथ देना छोड़ दिया था। उसके बाद में काफ़ी सारी दिक्कत आने लगी, तो फिर एक ही सोचा था कि नाइट ड्यूटी सिक्योरिटी की करके ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दिन में गेम कर सकता हूँ, नाइट में गेम नहीं कर सकता हूँ। तो नाइट सिक्योरिटी में जॉब करके दिन में गेम कर सकता हूँ मैं। तो फिर मैंने सिक्योरिटी भी ज्वाइन किया था कोविड में चलते ही, क्योंकि फिर सारा प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो अभी प्रॉब्लम्स होने के बाद फिर वापस कोविड खुलने के बाद, अभी कोविड खुलने के बाद इन्होंने ये कह रहे हैं कि अभी पोल ओल्ड पिट नेहरू में नहीं चला रहे, 6 महीने से साल भर हो गया। अभी ये बोल रहे थे कि पिट खराब है, डैमेज है, पोल ओल्ड पिट के नहीं आएगी, नहीं के चक्कर में इन्होंने 6 महीने साल भर हो गया। हमारे 3-4 कॉम्पिटिशन थे नेशनल लेवल के, उसमें हमारी परफॉर्मेंस पहले इतनी थी कि अच्छा होने लग गया था, अभी हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। क्योंकि एक्चुअली में हम जब से प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, इन लोगों कह रहे कहाँ पर नॉर्थ साइड में सारा पोल वॉल्ट ख़त्म कर दिया इन्होंने, पूरा नॉर्थ साइड हरियाणा में पहले पटियाला चलता था वहाँ पर बंद कर दिया, अब दिल्ली में बंद कर दिया। तो इन्होंने सारी जगह बंद कर दिया, नॉर्थ साइड में कहीं रहा ही नहीं। साउथ उधर साउथ ईस्ट साइड प्रैक्टिस कर रहे अच्छे लड़के, तो वो अच्छे कर रहे, उनके मेडल भी आ रहे काफ़ी। हम लोग ऐसे 7-8-10 खिलाड़ी है, तो हम लोग ऐसे ही भटक रहे कि कभी फरीदाबाद जाते हैं, फरीदाबाद अभी हम ट्रेनिंग कर रहे, फरीदाबाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है नाइट। एक तो मतलब खुद ज़िंदगी का स्ट्रगल करें, दूसरा फिर स्पोर्ट्स में इनका प्रैक्टिस की जगह ढूंढें, कहाँ पर तैयारी करें, इनके ऑफिसों को बाहर चक्कर लगाते रहें,
बोल्ट वोल्ट फिट आएगी नहीं आएगी, आगे क्या होगा हमारा भविष्य में, तो इसीलिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी नेशनल गेम आ रहे हैं हमारे, मार्च में फेडरेशन है, अभी इंटर कॉलेज है, उसका परफॉर्मेंस का कौन जिम्मेदार है, कौन क्या करेगा? एक्चुअली में पिट भी नहीं है, कोई कुछ है नहीं है, इसीलिए अब फरीदाबाद जाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। मेट्रो में जाते पैसे लगते हैं, उसके ऑलरेडी सिक्योरिटी की जॉब करके कुछ सोच रखा कि अच्छा करेंगे, इन लोगों ने पोल ओल्ड पिट भी नहीं हटा दी, नेहरू से सारा ख़त्म कर दिया नॉर्थ साइड में, अब जाएँ तो हम कहाँ पर जाएँ? मेन प्रॉब्लम सारी ये होगी कि कहाँ पर जा सकता है खिलाड़ी, ये सोचता है कि अच्छा करेगा, लेकिन अच्छा तब करे ना जब एक उसको सुविधा मिले, थोड़ी कुछ कुछ तो सुविधा मिले ना। हमारे को पोल भी महंगे आते हैं, हमारे पर्सनल पोल है सर, पोल कोई दिक्कत नहीं, पर्सनल होते, लेकिन पोल ओल्ड पिट नहीं है हमारे पास, पिट नहीं है, तो अब हम तैयारी कहाँ पर करें? तो इसीलिए अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है, मेट्रो में आना जाना करते फरीदाबाद, काफ़ी यहाँ से दिल्ली से जाना मेट्रो में कभी सीट नहीं मिलती, तो उसके लिए भी हमारे को बॉडी थक जाती है, वहाँ पर जाने के बाद कभी कभी सेशन नहीं लगाते, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स होने के बाद सर अभी काफ़ी अभी इसका जिम्मेदार कौन है ये मैं कहना चाह रहा, अभी पिट भी नहीं निकल रही, तो इसीलिए सर एक तो ज़िंदगी से स्ट्रगल करें, फिर उसके बारे में सोचे कि हम ओलंपिक खेलें, ये करें, हमारी ज़िंदगी पर्सनल है उसके बारे में। अभी सिक्योरिटी की ड्यूटी करता हूँ, मेरे को कुछ पैसे मिलते हैं नाइट जॉब में, तो उसके लिए एक रखते हैं कि कुछ होगा यहाँ पर दिल्ली आके, कुछ नाइट जॉब करते, फिर सुबह ऐसे उठते प्रैक्टिस करने जाता हूँ, सुबह 8 बजे दिन में प्रैक्टिस करके वापस आता हूँ, प्रैक्टिस सुबह 8 बजे 10 बजे प्रैक्टिस करके 2-3 बजे 2-3 घंटे सोने को मिलता है, और फिर वापस प्रैक्टिस शाम सुबह प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद में ये लोग ऐसा करते कि पोल ओल्ड पिट नहीं है, फिर बोल रहे कि अब आएगी नहीं आएगी, 6 महीने साल भर तो हो गया हमारे को नॉर्थ साइड में, इन्होंने बिल्कुल अब लाने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे, कोई इसका आगे ऑप्शन नहीं कर रहा कि मैं इसका हाथ करूं कुछ करूं, कोई अभी तक रिस्पांस नहीं आया, नहीं तो साईं की तरफ से आया, नहीं गवर्नमेंट की तरफ से आया, और नहीं कि अदर कोई हेल्प कर रहा। मेरी पर्सनल प्रॉब्लम भी बहुत सारी है, मैं उसको भी कन्विंस कर रहा हूं, एडजस्ट कर रहा हूं नाइट ड्यूटी करना, तो एक अगर नेशनल खिलाड़ियों के साथ अगर ऐसा करेंगे तो सर इसका फिर क्या होगा, ऐसे हम नहीं जिम्मेदार हो सकते हैं कल कोई, अगर मैं गांव लेवल से उठाऊं यहां तक आने में मेरे को ही पता है कि कितने सारे स्ट्रगल जेंडर, कितने सारे प्रॉब्लम्स आती है कि वहां तक एक यहां तक आने में मेरे को ही पता है कि कितने प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, उसके बाद में भी कई सारी प्रॉब्लम्स देखने की यहां तक पहुँचे। हमारी परफॉर्मेंस लाने में, एक खिलाड़ी को परफॉर्मेंस लाने में बहुत टाइम लग जाता, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता, बहुत उसके बाद में अगर उसको मतलब ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़े जो मतलब सोच नहीं सकता कभी, कि खिलाड़ी को ऐसा भी कोई कुछ करना पड़ेगा कि एक कि खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा लेकिन उसको जो इक्विपमेंट्स बोल ओल्ड पिट नहीं मिल रही, और वो सोच रहा नेशनल गेम आ रहा, तो उसके लिए हम बहुत अभी तो परेशान है सर। As a young kid, he got inspired by watching the great pole vaulter Sergey Bubka. His exploits at the Olympics truly motivated young Devraj to take up the sport. Coming from a rural and impoverished background, Devraj found it very tough to train. First, there were zero facilities in Rajasthan, so he shifted to Delhi later. But his problems continue to dog him. He faces the perennial problem of lack of facilities, lack of equipment and finances. In his grim battle, Bubka continues to mentally motivate him. Sir, jab bachpan mein tha, main kaafi bachpan type tha sir, to मैं टीवी में किसी के घर में टीवी लगी हुई थी, तो उसमें देख रहा था कि उस टाइम पे सर्गेय बुबका, बाद में पता किया था कि उनका गेम आ रहा था तो डीडी स्पोर्ट्स में, तो वहाँ पर मेरे को देख के ये लगा कि थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि मेरी पहले आदत थी कि पेड़ों पे चढ़ना, या बचपन में कि ऐसा कुछ काम करना, हाथों से चलना, हैंड स्टैंड चलना, या दौड़ना, कुछ ना कुछ ऐसा काम करना स्पोर्ट्स लाइक जो कुछ मेरा हो जाए, तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट आने लग गया था कि पोल के सारे ऊपर अच्छा गेम है, स्पोर्ट्स चलता। धीरे धीरे 6th क्लास से मैंने फिर पूछना स्टार्ट कर दिया था गांव में, स्कूल में फिर बांसकूद बोलते, पोल ओल्ट इंग्लिश तो बांसकूद बोलते, तो मैंने पूछा पता किया, फिर धीरे स्कूल गेम्स में मैं डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत किया था, मेडल आया था मेरे, स्टेट गया था स्कूल गेम में, उसके बाद में मैं कई सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी,
पढ़ाई में दिक्कत आ गई थी, तो बीच में कई प्रॉब्लम आने के कारण राजस्थान में नहीं चलता पोल वॉल्ट, तो मैंने छोड़ दिया था बीच में। पारिवारिक प्रॉब्लम, पर्सनल जितनी भी होती उतनी प्रॉब्लम, उसकी घर वाले प्रेशर दे रहे कि पढ़ाई कर, गेम मत करो, गेम में कुछ ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने काफ़ी 10th 12th 9th तक 3 साल ब्रेक दे दिया था, क्योंकि प्रॉब्लम्स के कारण मेरे को तो करना ही था। फिर बाद में 12th के बाद ऑप्शन आया कि अब करें क्या, क्या करें, पढ़ाई में तो जीरो थे, बिल्कुल नहीं कर सकते थे कुछ भी। फिर लास्ट में या तो काम करना या कुछ भी करना, या मजदूरी करनी या खेती करनी, कुछ भी। तो वहाँ से बाहर निकलते फिर बाद में सोचने लगे कि अगर ऐसा ही था तो बाहर इतना मतलब किया, वहाँ पर इतना एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव से डिस्ट्रिक्ट लेवल में निकलने, फिर वो अलग आ रहा था कि यहाँ से 2-3 साल बाहर निकले फिर कुछ मतलब नहीं वापस अगर यही काम करेंगे तो। उसके बाद में फिर वापस एक ही ऑप्शन रहा कि गेम ही करना, अच्छा करना। फिर बाद में मैंने धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया था। कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी, पैसों की, कहीं पे मतलब बिना मतलब कॉन्टेक्ट से निकलना, ऐसे कि बाहर पूछना किसी से, तो यहाँ कर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद 2019 में हमारी 18 में परफॉर्मेंस आई। 18 में आने के बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर खुला, तो फिर अब ये ऐसे कर रहे कि ये नहीं होगा, पिट नहीं होएगी, तो अभी इसके सर क्या कर सकते हैं हम, हमारे जब हमारे पास कुछ है नहीं है कुछ करने के लिए, तो हम कहाँ से खिलाड़ी बनेंगे, कहाँ से क्या होएगा। देवराज नोज द गैप बिटवीन इंडियन पोल वॉल्ट एंड द बेस्ट इन यूरोप इज ह्यूज एंड गेटिंग बिगर। First, Bubka dominated the sports and at Tokyo Olympics, Mondo Duplantis won gold, charming audiences worldwide. Obviously, the best in the world thrive on proper nutrition, coaching, support staff and modern medicine. In India, neither is the sport of pole vault a craze, nor are the facilities all that great. Besides, no Indian pole vaulter has ever qualified in the Olympics. उनको देख के ये लगता है कि वो हमारे से बहुत आगे है। पहले सर क्या बुबका थे, वो इंडिया में जब मैच हुआ था वो बोले थे कि इंडिया बहुत पीछे है इसके, आज भी बहुत पीछे है, इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हमारे को, प्रॉपर जगह ट्रेनिंग नहीं मिलती इंडिया में पोल वॉल्ट की प्रॉपर, मतलब वहाँ पर वो बाहर जैसे अदर कंट्री में जो प्रैक्टिस करवाते हैं उस हिसाब से प्रैक्टिस मतलब नहीं मिल पा रही, इक्विपमेंट्स नहीं मिलते, कोच वगैरह क्या कर सकते, जब इक्विपमेंट्स ही नहीं है तो कोच भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। सारे पोल अलग अलग पावर वाले पोल होते हैं, वो हमारे पास इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं है, अभी पोल वॉल्ट पिट मतलब उपलब्ध नहीं है, वहाँ के जो प्रैक्टिस है वो हमारे, हम इतना, वो इतना आगे है कि बहुत आगे इसी पोल वॉल्ट में है। पोल वॉल्ट में सर क्या बुबका हो गए, लेवलेन हो गया, मोंडो डुप्लांटिस हो गए, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती, इनके ऊपर सब ध्यान देते हैं इनको, क्योंकि वर्ल्ड लेवल के परफॉर्मेंस, अच्छी मेहनत करते, अच्छा वो मतलब डाइटेशन, उनका जो खाना पीना रहता है बहुत ही अच्छा रहता है सर। तो उनकी लेवल की सर इंडिया में प्रैक्टिस नहीं है उन जैसे, क्योंकि बाहर के अंदर कंट्री वाले स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं कि कैसे क्या करें, जो खिलाड़ी नीचे बाहर से आया उसका खर्च है, कि मतलब इंडिया में वैसा क्रेज नहीं है सर। आज भी अगर देखा जाए तो अगर मैं नेशनल प्लेयर हूँ इंडिया जितना, तो इतना पता ही है कि इंडिया में क्या चल रहा है सर। तो इसीलिए, क्योंकि पोल वॉल्ट में हमारे को इक्विपमेंट्स नहीं मिले, सुविधा नहीं मिल रही, तो उस लेवल की सुविधा नहीं मिल रही हमारे को कि जो हम बाहर से इंडिया खेल सके, क्योंकि आज दिन तक इसमें पोल वॉल्ट में ओलंपिक नहीं गया है। इंडिया का 5-30 एक रिकॉर्ड है इसका, इससे बढ़कर अभी, क्योंकि कभी काफ़ी सारी जब ऊपर हाई लेवल पे जब जाते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब वो गिरते लैंडिंग में प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स होती है, खाने पीने की सब कुछ ध्यान देते, बाहर के जो कोचेस वगैरह ये सब कुछ होते, उनका प्रैक्टिस का कैसे क्या करना, हमारे पास अभी नहीं तो कोच है नहीं कुछ है, क्योंकि नेशनल खेले हुए भी अगर इंडिया में ये हालत हो रही तो सर आगे अगर खिलाड़ी अगर हमारों को देख के क्या सीखेंगे कि पोल वॉल्ट करें या नहीं करें, या फिर आगे फ्यूचर है या नहीं है। हमारे को अभी ये लगने लग गया कि पोल वॉल्ट को, क्योंकि इनकी वजह से छोड़ देना चाहिए मेन प्रॉब्लम, क्योंकि हम बहुत ही प्रॉब्लम इनकी वजह से छोड़ देना चाहिए गेम को, यही है। क्योंकि एक्चुअली में क्या कर सकते सर, क्योंकि 6 महीने से हम परेशान हैं, 6 महीने से प्रैक्टिस नहीं चल रही, हमारे जो करना था जुनून था वो बैठे हुए दबे हुए, कैसे क्या उठ कैसे सकते हैं, उस लेवल की तैयारी सर, वर्ल्ड लेवल की तैयारी नहीं हो पा रही है सर। While Devraj dreams of qualifying for the Olympics and winning gold for India, currently he does not even have money to buy proper sports equipment.
he can't even buy a pair of good spikes. A pole costs anywhere between 95,000 rupees to a lakh. That is beyond his grasp. So he shares the equipment with other obliging seniors. But for how long? Sir, actually, मैं बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जिस हिसाब से मेरी कंडीशन है उस हिसाब से तो क्योंकि मैं एक अच्छे स्पाइक्स भी नहीं खरीद सकता हूँ अच्छे जूते भी नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स ये है कि नाइट ड्यूटी 9-10 हज़ार रुपये मिलते उसमें मतलब यहाँ का दिल्ली का खर्चा ही चलता है सिर्फ स्पाइक्स भी काफ़ी अभी लोगों ने हेल्प की थी मेरे स्पाइक्स भी मतलब आ गए अभी तो क्योंकि नॉर्मल अगर इतना बंदे अगर स्पाइक्स अगर अच्छे आ जाए तो 1-1.5 साल चल जाए अगर अच्छा तैयारी करे ना ट्रेनिंग तो भी मेरे स्पाइक्स भी जो फ्रेंड वगैरह जो बड़े सीनियर रहते हैं उनके मतलब यूज करते हैं हम क्योंकि उनके ही यूज करते हैं स्पाइक्स हो गए जो शूज़ हो गए शूज़ वगैरह ये हो गए उन्हीं के यूज करते हैं सर तो भी काफ़ी सारे ये पोल भी मतलब कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती कभी टूट जाते पोल कभी काफ़ी सारे प्रॉब्लम कोई गलती के कारण गलती मतलब कहीं किसी दिन बॉडी नहीं चली तो काफ़ी सारे क्योंकि पोल भी महंगे आते हैं एक्चुअली में हमारे पास अभी पोल भी नहीं है गवर्नमेंट अभी इतना कर नहीं पा रही जब इतना ही नहीं कर पा रही थी इन पोलों को तो दूर की बात है कि एक पोल मिल जाए हमारे को He finds staring at an uncertain future and a dark pit behind him as he describes it. Not wanting to fall back into that pit of anonymity, he's desperate to move ahead. Whatever may be the human cost. He does not want to ever return to his village. He's afraid people will ask him, why did you give up sport? But he's sure of one thing. If pole vault doesn't happen for him, he would quit sport for good. सर अभी मेरा 4-7 जनवरी को इंटर कॉलेज है सर उसमें अभी प्रैक्टिस नहीं चल रही मैं कैंसिल में नहीं जाऊंगा सर क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वहां पर जाके मैं जीरो करके आऊं मेरे मन में तो यही है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन बिना प्रैक्टिस नहीं हो सकता है वहां पर जाने का खर्चा प्लस वहां पे पैसे लगाना यहां से जाने के बाद मतलब प्रैक्टिस नहीं चल रही तो हम नहीं कर सकते मैं कैंसिल कर रहा हूं नहीं जाऊंगा सर क्योंकि वहां पर जाने से कोई मतलब नहीं है एक्चुअली में हमारी आज से भी प्रैक्टिस करें तो भी 3 महीने लग जाते हैं प्रैक्टिस करने में प्रॉपरली और प्रॉपरली हो नहीं रही प्रॉपर एक्चुअली में इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हमारे को पिट नहीं मिल रही सबसे मेन कारण तो है स्पोर्ट्स का पिट अब स्पोर्ट्स का एक हमारा जो ये मेन है कि स्पोर्ट्स वालों का ग्राउंड बंद करना हमारा पिट नहीं हो बराबर होता सर